संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। जैन दर्शन के सबसे बड़े आचार्य कुंद कुंद और उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ राज समय सार और समय सार में सर्वश्रेष्ठ अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में 74वीं गाथा की चर्चा करनी है। अभी जो आपने गाथाएं सुनी वो शुद्ध सरल हिंदी में थी और उनके भाव पर आपने ध्यान दिया होगा, तो एक बात इसमें कही गई है कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद नहीं जानेगा तब तक ये अज्ञानी रहेगा। जावण वेद विशेषण तरंतु आदासवाण दौंडमपी। जा मन जब तक विशेषण मन भेद या दोनों में आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तब तक अज्ञानी रहेगा तब तक क्रोधादि भावों में प्रवर्तन करता रहेगा और क्रोधादि भाव इसके कर्म बनते रहेंगे। और जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के बीच भेद जान लेगा उसी दिन ये ज्ञानी हो जाएगा। ये ज्ञानी और अज्ञानी की कितनी सरल और सुबोध परिभाषा है कि आश्रम माने ये अपन जानते कर्मों के आने को आश्रम बोलते हैं और वो आश्रम दो प्रकार का होता है, द्रव्याश्रम और भावाश्रम। जो कर्म की एक वर्गणाएँ होती हैं वो कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंधित हो जाती हैं, चेंट जाती हैं इस भाषा में समझो, उसे बोलते हैं द्रव्याश्रम। उन कर्मों का कारमान वर्गणा का कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के साथ संबंधित होना और जिन मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं आत्मा के, उन भावों की वजह से वे बंधती हैं आती हैं, उनको बोलते हैं भाव कर्म भाव आश्रम। तो वास्तव में तो असलियत में वो मोह राग द्वेष के जो भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाएँ हैं, मिथ्यात्व तो है, ये ही आश्रम हैं। अब कहते इनके बीच और आत्मा के बीच भेद जानना उसका नाम ज्ञान है। अभी सारी दुनिया तो अलग रह गई। आचार्य कुंद कुंद देव की समस्या ये नहीं थी कि ये जगत इस जगत के कर्ता को ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है, क्योंकि उनकी सभा में उनके सामने जितने भी श्रोता थे उनके शिष्य थे उनमें से एक भी ये नहीं मानता था कि यह ईश्वर जगत का कर्ता है। उनके सामने ये समस्या ही नहीं थी, कोई ये मानता ही नहीं था तो उन्हें क्यों समझाएं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये छोटे छोटे कर्ता सब बन बैठे हैं। वो लोग कम से कम जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं तो वे अपने कर्तृत्व के अहंकार को इस तरह से विसर्जन कर देते हैं, भाई तेरे हाथ में क्या है, हुई है वही जो राम रचि राखा, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तू कौन होता है करने वाला। जो कर्तृत्व का अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया। और इस कर्तृत्व के अभिमान को हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में ईश्वर अल्लाह और गॉड के नाम पर कम से कम वो अपने कर्तृत्व के अभिमान को दूर रखने की कोशिश करते हैं। कितने रख पाते हैं कितने नहीं रख पाते वो अलग बात है, लेकिन एक साधन मौजूद है कि हमारे किए कुछ नहीं होगा। लेकिन जैन दर्शन में तो ऐसा कोई ईश्वर माना नहीं है, तो ये सब कर्ता बन बैठे, कोई देश का बन बैठा, कोई प्रांत का बन बैठा, कोई समाज का बन बैठा, कोई मंदिर का, कोई संस्था का, कोई अपने घर का, कोई परिवार का, कोई अपने शरीर का। ये
मोहिराग देश के परिणामों का, इन सारे पदार्थों के जो कर्ता घर घर में बने बैठे हैं, ये जैन दर्शन में कुंद कुंद को वो समझाना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। बात वही हो गई, ईश्वर ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, और वो हमें करे वो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया, और हमने तुम्हें किया और तुमने हमें किया तो भी कर्तावाद हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके बंध अधिकार में एक बहुत मार्मिक बात कही है, चार चीजें पकड़ी हैं, जीवन मरण सुख और दुख, ये चार चीजें हैं। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, बस इतनी सी समस्या ये सारी दुनिया की है। अब वे कहते हैं ये जो चार चीजें हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे का जीवन नहीं कर सकता, दूसरे का मरण नहीं कर सकता, दूसरे को सुखी नहीं कर सकता, दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। अपने जीवन मरण और अपने सुख दुख के पूरे जिम्मेवार हम हैं, ये जैन दर्शन है। हमारी गलती से ही ये हो रहे हैं, और हम अपनी गलती मेट देवें तो इससे छुटकारा हम पा सकते हैं। ये इतनी बात है। अब हम ये मान के बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहूँ तो सबका भला कर दूँ, लोग चाहें तो मेरा भला कर दें, ख्याल में है ना। तो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान इस कर्ता कर्म अधिकार में उन्हें देना है। तो मैं बंदी अधिकार की गाथाओं की बात कर रहा था, तो उनने ये कहा कि देखो तुम कर्म को तो मानते हो ना, क्या मानते हैं, तो हम कब तक जिंदा रहेंगे। तो अपने शास्त्र में कहा है कि अपना एक आयु कर्म है और उसकी एक स्थिति बंधी हुई है, उतने काल तक हम जिंदा रहेंगे, वो हमारा नियामक है। तो एक असाता साता वेदनी कर्म है और कर्म है, तो उनके अनुसार हमें लोक के सुख दुख मिलते हैं, और आयु के हिसाब से हमारा जीवन और मरण है। तो क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को आयु दे सकता है? ऐसा कोई इंजेक्शन बना है कि वो डॉक्टर लगा दे तो 5 बरस आयु बढ़ जाए, और बन गया होता तो अभी हमारे बाप दादे भी नहीं मरते, और बाप दादे के बाप दादे भी नहीं मरते, और उनके बाप दादे भी नहीं मरते, कितना बढ़िया रहता। सोचा कभी? अरे तुम ही नहीं होते, क्यों कि भीड़ इतनी बढ़ती जाती कि हमारे बाप दादे के बाप दादे ही फैमिली प्लानिंग कर लेते, पुराने जाते नहीं और नए आते जाते तो क्या होता, बोलो। हमारा भारत को आज़ाद के 61 वर्ष हो गए, हमने 60वीं बनाई अभी जयंती, 62-63 वर्ष हो गए ना, क्यों कितनी तरक्की की हमने, और तरक्की तो तुम गिनते रहना बाद में, लेकिन उस वक्त हम 33 करोड़ थे, 33 करोड़ भाषीवादी। दिनकर ने कविता लिखी थी जब पहला संविधान बना था, तब उसमें लिखा था कि 33 करोड़ जनता को सिंहासन दे दो, को राज दे दो, है? सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, वो पड़ी थी लाल किले के मैदान से। अब 33 करोड़ से अब 1,30 करोड़ हो गए, कितना हो, 4 गुने से भी ज्यादा, कितनी तरक्की की। पैदा करने में तरक्की नहीं की है, पैदा तो हमने कम किए हैं। अपने माँ बाप का हिसाब देख लो कैलाश सिंह जी, और अपना देख लो, और अपने बच्चों का देख लो, क्यों, हमारे माताजी पिताजी के 8-10 बच्चे हुए थे, हमारे 4-5 ही हुए, और बच्चों के एक ही एक नहीं है, अगले में ना मालूम क्या होगा। कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, पैदा ज्यादा नहीं किए हैं, ये तो मरे कम है। क्यों इतनी संख्या क्यों बढ़ गई, समझे ना।
मेरे कहने का आशय ये है कि भाई पैदा होते जाएं और मरे नहीं तो क्या होगा, इतने ही तो हुआ ना, जन्म जितने हुए उससे मरे कम है, इसलिए तो संख्या बड़ी है। जितने जन्म हुए उससे ज़्यादा मरते तो संख्या नहीं बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल सीधा सच्चा हिसाब है। तो कहते ऐसा कोई इंजेक्शन आज तक नहीं बना जो आयु कर्म के उत्कर्षण कर दिए, ये तो संक्रमण समझा रहे थे, ये समझा रहे थे कि ये इससे बदल जाता है। और मेरे भाग्य में ये लिखा है कि नहीं बदलता है, ये समझाऊं किसी के किए कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ नक्की है, एक एक समय की पर्याय अनादि काल से लेके अनंत काल तक, माने आयु का उत्कर्षण अपकर्षण कर्मानु योग के हिसाब से होता होगा। मेरा समझना, होता है, होने में मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आयु का उत्कर्षण कर दो कि आयु का अपकर्षण कर दो किसी दूसरे की। वो होता है ना, वो अपने ही भावों के निमित्त से होता है ना। कदाचित कहो तो हम स्वयं ही उसके कर्ता हैं, कदाचित। अब मैं कदाचित को ज्यादा नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारे पास कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें गारंटी दी है बंध अधिकार में कि निज आयु छय से मरण हो, बात जिन वर ने कही मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। जब तुम आयु नहीं दे सकते और आयु नहीं छीन सकते तो मार बचा नहीं सकते हो। ऐसे ही उसके कर्म का उदय है और उसके कर्म के उदय को तुम नहीं बदल सकते। मैंने अभी वो बात दूसरा पक्ष ने फैसला नहीं दिया है कि हम बदल सकते कि नहीं क्या क्या उसकी बात जब करूंगा तब अलग करूंगा, हैं? अभी यहां तक सीमित रहो, क्यों समझ में आया कि नहीं, कि तुम दूसरे का नहीं बदल सकते। तो ये दूसरे के कर्तृत्व का भार जो तूने अपने माथे पे ले रखा है उसको हल्का कर, और दूसरा तेरा कुछ बिगाड़ ना कर दे, ये तेरी जो घबराहट है थोड़ी उसे कम कर, है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात वहां ये समझा रहे हैं। और वो इस भाषा में बात करते हैं, बात तो समझानी है कि कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है, लेकिन वो ये कहते हैं कि तू जुदा है और वो जुदा है, भाषा ऐसी है। क्यों? कि जुदा हो जाएगा तो नहीं करेगा। अपन कहते ये हमारा घर जुदा है और ये पड़ोस का घर जुदा है ना। तो पड़ोस में कोई काम हुआ तो हमने नहीं किया, वो पड़ोसी से पूछोगे उसका क्या हुआ, उसके यहाँ जो कुछ हुआ है तो वो पड़ोसी से पूछो, हमसे मत पूछो। तो वो ये कहते हैं अभी तो परद्रव्य के कर्तृत्व का भार तेरे माथे से उतारते हैं, और तू चाहे तो अपने भावों को बदल के अपना घटा बढ़ा सकता है, ख्याल में है ना। अब ये कहते हैं कि घटा बढ़ा सकता है कि नहीं, कर नहीं सकता ये तो नक्की हो गया पर का, अपने में फेरफार कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका जवाब फिर कभी, उसका भी है इसी समय सार में चर्चा, उसके बारे में भी है, क्यों है ना। अभी तुम दूसरे द्रव्य की बात करो तो वो कहते हैं जब तक तुम ये नहीं जानोगे हम जुदे और तुम जुदे, तब तक तुम एक कर्ता कर्म संबंध भी नहीं तोड़ोगे। ये कहते हैं कि ये हम जुदे जुदे जानने का अर्थ क्या, कि भारत जुदा है और पाकिस्तान जुदा है, इसका अर्थ क्या, कि हम अपने सारे फैसले हम करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए,
क्या अमेरिका बताया कि तुम ये करो और हम वो करें, तो हम फिर जुड़े नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं रहे। आज़ादी का अर्थ यही तो है ना। तो अभी तो कहते हैं हमको अभी आज़ादी चाहिए कि नहीं है। तो कहते पहले तुम जुदा जानो, और जुदा जानने का अर्थ इतना ही हो जाएगा, न्यारा पूत पड़ोसी बराबर, बोलते कि नहीं बोलते हैं। फिर उसके सुख दिखाटे का जिम्मेवार वो, मुनाफे का जिम्मेवार वो डिसीजन वो करेगा, क्या बिजनेस करना क्या नहीं करना, क्या भाव बेचना क्या नहीं बेचना, वो सारे डिसीजन जब उसके सेपरेट हाथ में हों उसका नाम न्यारा है। तो जब तक यह आत्मा और आत्माओं के आश्रमों के बीच में भेद नहीं जानेगा तब तक काम नहीं होगा। वहाँ से बात शुरू की थी और 73वीं गाथा तक वहाँ तक आ गए कि जिसमें उनने कह दिया केन विधिना अयम आत्मा आश्रवे वा निवृत्त, कि यदि हम ठीक हम आश्रमों के कर्ता नहीं हैं, आश्रमों के भोक्ता नहीं हैं, तो इनसे पिंडा हमारा कब छूटे। तो उन्होंने कहा तुम भेद जानो तब छूटे। तो कैसे जाने, तो उसकी विधि उनने 73वीं गाथा में बता दी। अब मैं उसको रिपीट अभी नहीं करूँगा, अपने सब कैसेट मैसेट मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो चाहे तो वहाँ से देखना। अब तो वो ये कहते हैं कि ये बताओ कि हम ये विधि अपनाएंगे, ध्यान से सुनना, तो ये काम हमारा कब हो जाएगा। जैसे आप कहते देखो भाई यहाँ पर आप 1000 रुपये जमा करा दो फिर आपका ये काम हो जाएगा, तो वो कहता कब, सब पहला प्रश्न यही खड़ा होता है कब है? आप यहाँ जमा करा दो आपको मिल जाएगा कि कब। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपको पैसा दें और इसी हाथ हमें तत्काल दे दो, क्योंकि हम जमा करा दें और फिर बाद में पूछते फिरें कि वे बाबू बदल गया और साहब बदल गया, ये चक्कर से हम बहुत परेशान हैं। ये तो बताओ कि हम ये बात करेंगे, कौन आत्मा और आश्रमों का भेद जानेंगे, तो उसके बाद हमें कम हम आश्रमों से निवृत्त हो जाएंगे, कितना काल लगेगा, होंगे कि नहीं होंगे, वो हमें वो बात चाहिए क्या। दुनिया में लोक में हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता था ना, अपन किसी दुकान पर जाते हैं तो माल देखते हैं, कहते हैं खरीदते हैं, पैकेट बनाकर अच्छी तरह से वो हमें दे देता है, फिर पैसा अपन देते हैं और वो लेता है। हमारी तो यही पद्धति चली है ना, क्यों किसी दुकान पर जाकर तुम पहले पैसा देते हो और बाद में माल देता हो, ये हिंदुस्तान में तो नहीं था ना, अभी हो गया, अभी आगे बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं। डॉक्टर को दिखाते थे करते थे जो कुछ भी देते थे बाद में देते थे, तब ये ठीक हो जाने के बाद, और अब तो पहले जमा कराओ तब तुम्हारा नंबर लगेगा डॉक्टर के देखने का है? क्योंकि धीरे धीरे वो विश्वास ही खत्म हो गया, उसे मिलता साला ये देगा कि नहीं देगा, मर गया तो कौन देगा, पहले ही खींच लो जितना खींचना है। तो वे कहते भैया क्या बात करते हो तुम, तुमने यहाँ जाना और वहां तुम्हारा काम हुआ, दोनों का एक काल है, समकाल है। तो अच्छा हमने ये जान लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, कर लिया ना, जान लिया ना, हो गया। उसे नहीं होता भरोसा इतना जान लेने से हो जाएगा, ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई से घुसा हुआ है कि वो कुछ करना पड़ेगा कैसे मोक्ष हो जाएगा। उपवास उपवास नहीं करना पड़ेंगे, क्यों इन जैसे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, ये ऊनी कपड़े पहने पहने हो जाएगा, भरी पल्ली ओढ़ो गुंदोड़ा खाओ मोक्ष चले जाओ, फिर तुमने काय को छोड़े क्या यानी कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो ये बात समझा रहा है इस गाथा में कि बिल्कुल नहीं, बस तुमने जाना और वहां से मुक्त हुए, आश्रम माने कर्म, कर्मों से मुक्त हुए, आश्रम माने दुख है उनसे मुक्त हुए। वो उसकी ये गाथा है देखो, जीव निबद्धा ये दे अधो अण चाहता, कि जी हाँ हाँ पढ़ 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 सभी
ये सभी जीव निबद्ध हैं। ये जो आप लोग गाथा बोलते हो ना, तो उस वक्त हमको थोड़ा आराम मिलता है। अब तो ऐसा लगता था, लेकिन अभी हम टीवी पे देखते हैं, आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, तो उसमें जब मैं उसमें टीवी में ये आता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, सारी जनता बोलती है टीवी में, हमारे चेहरा दिखाते हैं, जनता तो दिखाते नहीं है। ये एक दफे लगा देता है, ये वो लगा रहता है, जनता तो दिखाते नहीं है। तब वो जब आप ही आवाज़ आती है तो उनको मालूम पड़ता होगा कि हाँ कितने श्रोता बैठे हैं सुन रहे हैं, और इतने प्रबुद्ध श्रोता कि जब ये छंद बोलते हैं तो उन्हें याद है पहले से। ये सभा अपन को गुरुदेव के प्रताप से मिली है, और कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। क्यों मैं बोलता हूँ सुमित जी कि ये विद्यार्थियों का जितना पुण्य होगा तो होगा, लेकिन हम तो कहते हैं हमारा पुण्य है कि जिसे ऐसे प्रबुद्ध श्रोता मिलते हैं। नहीं तो इतनी बात जो हमने मान लो पढ़ी है, लिखी है, सारी जिंदगी इसमें लगाई है, हैं सर 70 वर्ष निकल गए यही करते करते घोकते घोकते, हम किसे सुनाते। भर्तरी कवि का वो छंद पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है, तो कहता किसे सुनाएं। उसने क्या लिखा है कि ऐसी स्थिति है कि ये जो बड़े बड़े राजा लोग हैं वे तो घमंड में मरे जा रहे हैं, हैं? इसमें ग्रस्ता है, दूसरा ग्रस्ता विद्वानो मत्सरा ग्रस्ता, विद्वान हैं वे एक दूसरे इतने जलते हैं कि कुरकुराए थे। छंद में लिखा संस्कृत में, विद्वान सा मत्सरा ग्रस्ता, एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते, सुने तो उसकी पीठ नहीं ठोक सकते, शाबाशी नहीं दे सकते। ये तो गुरुदेव के प्रताप से अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है ना। तो विद्वान को तो सुना नहीं सकते, जो गहरी बात तो विद्वान को सुनाए तो वही समझे ना। और प्रभुवा इसमय दूसरा, राजा लोग, सेठिया लोग, प्रभावशाली लोग, वे घमंड में मरे जा रहे हैं, वे हमेशा वक्ता बनने के चक्कर में रहते हैं। क्यों आते ही नहीं सुनने के लिए। प्रभुवा इसमय दूसरा, अब कहते हैं तुम जनता को सुनाओ ना। तो उसने क्या लिखा, घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेन्दन चिंतया सततम। ये सारी जनता तो घी नॉन तेल चक्कर चने की दाल इसके चक्कर में 24 घंटा फंसी है बेचारी। घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेन्दन चिंतया सततम जात विनष्टा बुधाधिपानाम मपि बुद्धि। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि नॉन तेल लकड़ी इसमें ही खत्म हो जाती है। अब हम सुनाएं किसे। मुझे लगता है जीर्ण मंगे सुभाषितम, ये सुभाषित हमारे साथ ही मर जाएगा। इस अंग जो जो शरीर पुराना हो रहा है ना, वो जो खत्म होगा इसके साथ वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों, ये अध्यात्म विद्या है जो शरीर के साथ खत्म नहीं होती है। क्यों, अगले भव में भी जाती है वो। और विद्या वाले तो कहते ही नहीं हैं, ऐसा बताओ कोई पूरा भव का डॉक्टर हो तो बताओ। पहले भव में डॉक्टर ही बना था और अब बराबर ऑपरेशन कर रहा है। पूरा भव का कोई वकील बताओ, अब पूरा भव के पंडित बता सकते हैं। ये टोडरमल जी साहब बैठे हैं, ये कहते हैं ना मुझे पूरा भव लिखा ना मोक्ष मार्ग पिकासक में, पुराने संस्कार थे इतने इतने ऐसा अभ्यास हुआ है। गुरुदेव बैठे हैं कि नहीं, इन लोगों को है कई भवों का माल, तो ये माल अगले भव में ट्रांसफर होता है। क्यों, ये अगले भव में ट्रांसफर होता है। तो ये एक कह रहे हैं कि ये हमको तो ऐसे श्रोता मिले हैं कि जब वो बोलते हैं सब तो मुझे बहुत आनंद आता है, अपन को आराम भी मिल जाता है गले को। क्यों, और कितने लोग हैं कि कम से कम गाथा है, छंद है, वो आप लोगों को याद है। अब ये तो दिखती नहीं कि आपके पास किताब रखी उसमें देख के बोल रहे हैं।
वे तो आपके वो की आवाज सुनते हैं, उनके दिमाग में कल्पना भी नहीं है कि ऐसी साथ सभा, ऐसी भी सभा कहीं होती होगी कि हर श्रोता के हाथ में गीता होती होगी। क्यों? जो बोल रहे हैं वो उनके है और वो पढ़ सकता होगा है? तो वो कह रहे हैं कि ये आश्रव भाव जीव निबद्धा, ये जीव से बंधे हुए जो कर्म हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो बंधे नहीं हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध जीवों की बात नहीं है, ये जो कालमान बगणा रूप पड़ी उन बगणाओं की बात नहीं है, ये जो जीव से बंधे हुए जो आश्रव भाव हैं, मान जो जीव में क्रोध मान माया लोभ हैं, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये दे ये सभी अध्रुव हैं। वो कहते घबराओ मत तुम, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो ये बीमारी है, ये नाखून टूट गया अपना, समझ लो नाखून टूट गया, तो डॉक्टर कहता चिंता मत करो, ये नाखून धीरे धीरे पूरा निकल के आएगा और ऐसे ऐसा हो जाएगा, और ये खराब नाखून सब निकल जाएगा। कैसा आ जाएगा? कहाँ से आएगा? इसके अंदर है कि खोल के निकाल दो? नहीं नहीं नहीं, खोल खोल के नहीं निकला है, अंदर ऐसा अंदर नहीं है वो अपने काल में धीरे धीरे निकलेगा, ऐसा केवल ज्ञान अंदर छोल के निकाल दो अभी हाल, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। लेकिन ऐसा जैसा नाखून अंदर है ना, इसे तोड़ोगे तो यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन ये निकलेगा धीरे धीरे, और वो खराब निकल जाएगा और फिर बढ़िया का बढ़िया हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस खत्म। तो ये आश्रव भाव ये अनित्य हैं, अध्रुव हैं, असरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के फल रूप हैं, इतनी खराबी है इनमें कि ये तो तेरे शत्रु, ये तो मरने ही वाले हैं, अब क्या बताएं इनकी बात। एक आदमी को बहुत गुस्सा था किसी आदमी से कि चाहे सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़े और चाहे फांसी की सजा लग जाए, लेकिन मैं इसकी हत्या करके मानूंगा। तो वो हत्या करने के विचार से पिस्तौल छिपा करके उसके घर में जा करके छिप गया, उसके पलंग के नीचे ही सो गया आराम से, कि अब सब जब चले जाएंगे सो जाएंगे, किवाड़ बंद करके दिए अंदर सो जाएगा, तब ऐसे मार कर और मैं किवाड़ खोल के भाग जाऊंगा। अब ये वो तो अंदर पलंग के नीचे छिपा था और वहां उसे हार्ट अटैक हुआ जिसे वो मारने गया था। क्या हार्ट अटैक हुआ? तो दौड़ा दौड़ी डॉक्टर आ गए, जी आ गए, वे हो गए, अब इतने हल्ले गुल्ले में सोना मोना तो खत्म हो गया, क्यों और सब हो गया। अब वो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो अंदर वहाँ छिपा है और उसे मारना है, और सब डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया नमो का आनंद सुनाओ, अब दवाई का काम नहीं रहा, अब घंटे दो घंटे के मेहमान हैं, और घंटे दो घंटे भी निकालेंगे कि नहीं नहीं निकालेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, यदि इनने 72 घंटे निकाल दिए तो फिर मेरी गारंटी है, फिर तेरी क्या गारंटी, क्यों होता कि नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो गेतारा घबराएगा कि यदि साला मर गया तो मैं किसे मारूंगा क्यों थोड़ी भी अकल होगी तो ये सोचेगा कि जल्दी निकलो, जो कुछ होगा सो हो जाएगा, मैं तो गोली मार दो, क्योंकि ये मर गया तो फिर मैं कैसे मारूंगा। अरे भाई जिस काम को करने के लिए तू आ रहा है और जीवन की बाजी लगा करके फांसी पे चढ़ने को तैयार है, वो काम बिना तेरे कुछ किए ही हो रहा है, ध्यान से सुनना है, तो चुपचाप बैठे रहे उसका अपराधी बनकर वो फांसी पे चढ़ने की तैयारी क्यों कर रहा, अपने को क्यों मार रहा। तो वो कहते हैं ऐसा ही हुआ है, आचार्य कह रहे हैं कि ये आश्रव इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, और अभी एक घंटे की भी गारंटी नहीं, एक सेकंड की भी गारंटी नहीं, हर समय उदय में आते हैं और फिर जाते हैं, होता क्या नहीं होता, बोलो शास्त्र में लिखी बात क्या नहीं, हर समय उदय में आएंगे और फिर जाएंगे, खत्म, उदय में आएंगे और फिर जाएंगे। तो जिन आश्रव भावों के लिए तू इतना चिंतित हो रहा है, वे एक तो तेरे से जुदे हैं, क्यों कि वे खत्म हो जाएंगे और तू रहेगा, इससे मालूम पड़ता है जुदे हैं क्या, और दूसरे वो अनित्य हैं माने वो नष्ट हो जाने वाले हैं, अध्रुव हैं, असरण हैं,
उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। क्या कोई शरण, तुझे कोई शरण नहीं है, ये नहीं है। हम क्या बताएं, हमने 12 भावनाएं सारी जिंदगी पढ़ी और बस ये निकाला कि हम अनित्य हैं, हम अशरण हैं। और रो रो के आए भाई, बदल बल देवी देवता मात पिता परिवार मृत्यु मरिया जीव को कोई ना राखन हार, हम अस कोई नहीं बचा पाएगा हमें कोई। अरे तेरी बात नहीं है, ये तो आश्रमों की बात है कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा तेरे शत्रुओं को। और हमने सोचा हमें बचाने की बात है, हम अनित्य हैं। बोलो सती, सोचो जब मैंने 12 भावना की किताब लिखी सबसे पहले, वो 12 भावनाएं लिखी, तब मैं यही देश सोच सोच के परेशान, जितनी भी देखो इसी लेन पे इसी लेन पे इसी लेन पे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, सारे कुएं में ही भांग पड़ी है। इसी लेन पे बोलने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, क्यों क्या आश्रव अशरण है। अशरण भावना में क्या है, आश्रव अशरण है, आश्रव अनित्य है, पर्याय होती है अनित्य के, द्रुव होता है अनित्य। मैं तो द्रुव हूं, मैं अनित्य कैसे हो सकता, मैं अध्रुव कैसे हो सकता, मैं अशरण कैसे हो सकता। सच बोलो छाती पे हाथ रख के, अभी तक भी क्या, मेरी किताब को लिखे भी 30 वर्ष हो गए और वे भावनाएं कहते कहते, और हर पंच कल्याणक में कम से कम 50 दफे मैंने ये व्याख्यान किए होंगे, फिर भी इस लोक में कितने लोग हैं कि जो उस लेन से हट करके, अरे जिनने नहीं सुना उनकी अभागों की बात तो जाने दो, जिनने सुना है वे भी उस लेन से कहाँ हट पाए हैं। मैं मर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तू मरने वाला तत्व नहीं है, तू तो अमर तत्व है। जो पर्याय अनित्य है, जो पर्याय अशरण है, जो पर्याय अध्रुव है, वो तू नहीं है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने आश्रव क्या है ये बात बाद में लिखी, फिर ये लिखा कि तू नित्य है और आश्रव अशरण है। तू है, तू नित्य है और आश्रव अनित्य है, तू ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है, तू शरणभूत है और आश्रव अशरण है, तू सुख स्वरूप है और आश्रव दुख स्वरूप है, तू सुख के रूप में फलता है और आश्रव दुख के रूप में फलते हैं। जो बात तेरे शत्रुओं के बारे में कही गई थी वो तूने अपने बारे में समझ ली। क्या कह देखो गया बोलिए। और बस 12 भावना चिंतन करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि बस हमें अभी हाल बैराग होएगा, क्योंकि उसमें लिखा है इन चिंतित समसुख जागे और दिन दुल्हन पर बन के लागे, समता रूपी सुख जगेगा। और हमको तो ये 12 भावना पढ़ने वाले रोते ही रोते देखे, समता सुख तो उनके चेहरे पर कहीं दिखाई दिया ही नहीं। जब गुरुदेव श्री एकदम खिलखिलाकर हंसते थे प्रवचन में, बाकी तो अपन ने, हमने 22 घंटे भी देखा है उन्हें, कभी ऐसा हंसते नहीं देखा, बिल्कुल गंभीर बैठे रहते थे क्यों, और प्रवचन में हंसते थे। अब दुनिया तो प्रवचन में ही देखती थी, बाकी तो घंटे देखते नहीं, तो वो समझते थे 24 घंटे ऐसे हंसते ही रहते होंगे क्यों। लेकिन मैं कहता हूँ कि खिलखिला के हंसते हैं, प्रवचन करते खिलखिला के हंसते, तो क्या करें, रोएं। आत्मा की बात करके प्रसन्न नहीं हो तो दुखी हो क्या। हमारे शत्रु अनित्य हैं, ये ये गाथा में लिखा है, जीव निबद्धा ए जीव से बंधे हुए जो ये आश्रव भाव हैं, तेरे शत्रु कौन से, कौन, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिबंत एही आत्मे को दुख कारण ताते। तेरी ये समस्या थी ना, तेरे लिए दुख के कारण थे ये आश्रव अनित्य हैं। अनित्य हैं माने सदा तेरे साथ नहीं रहेंगे, क्यों ये समझा रहे हैं आपको। अध्रुव हैं, अब अध्रुव और अनित्य में क्या, दो शब्द क्यों लिखे, अध्रुव और अनित्य में फर्क क्या है, कभी विचार किया। देखो इन दोनों का अर्थ में अंतर है जो अमरचंद्र ने निकाला, और नाराज मत हो जाना, कुंद कुंदाचारी देव ने अनित्य भावना को अश्रण अध्रुव भावना लिखा,
उनकी ये 12 भावना पे किताब भी है, वो कम प्रचलित है लेकिन है, द्वादशानुप्रेक्षा। तो उसमें सबसे पहली भावना को क्या लिखा, अध्रुव भावना। और आपने अनित्य तो हर जगह सुनी ही है, तो एक अर्थ में प्रयोग हो गया ना दोनों का, तो हमारा भ्रम और पक्का हो गया कि दोनों का एक ही अर्थ है और मोटा मोटा है भी एक है ना। लेकिन थोड़ा फर्क है, वो जो अमर चंद्राचार्य ने इसमें निकाला टीका में, अब वो भी उनको भी समस्या थी कि समझाएं कैसे, तो उनने दो छोटे छोटे से उदाहरण दिए और उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि अध्रुव कैसे हैं और अनित्य कैसे हैं। देखो, एक दिशा से दूसरी दिशा में बदलना उसका नाम है अनित्यता, और एक ही दिशा में कम ज्यादा होना उसका नाम है अध्रुवता। उन्हें दो उदाहरण दिए, मिर्गी का बेग और शीत दाह ज्वर। मिर्गी नाम की एक बीमारी होती है, वो आता पड़ता है ना, ये जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते, फिट 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 आते हैं ना एकदम, ऐसा ऐसा कर जाता है ऐसा। तो वो बीमारी में आदमी धूझता है, तो कभी तो वो धूजन कम होती है और कभी ज़्यादा, पूरी ख़त्म नहीं होती है। एक ही दिशा में कम ज़्यादा होना उसका नाम है अध्रुव, और बदल की दिशा बदल जाना उसका नाम है अनित्य दिशा। जैसे उन्हें शीत दाह ज्वर, कि एक ऐसा ऐसा बुखार होता है इसमें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी एकदम कांपने लगता है, रजाई उड़ाओ, रजाई पर रजाई डालते जाओ, और फिर एकदम गर्मी लगती है, सारे कपड़े फेंक दो, पसीना आने लगता है, और फिर सर्दी लगती है, शीत दाह। तो विपरीत दिशा में गया ना वो, तो एक को कहा अनित्य, एक को कहा उन्होंने अध्रुव, इतना फर्क डाला। जैसे देखिए, हम आप बुखार, बुखार 98 डिग्री होवे तो सही माना जाता है, अब बुखार हमारा 104 डिग्री हो गया, अब 102 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो एक ही दिशा में है ना, तो वो अध्रुव। अब फिर क्या हो कि वो आकर के 98 से 96 रह गया, फिर 102 हो गया, तो वो नीचे ऊपर, ये अनित्य। फर्क समझ में आया कि नहीं आया, एक दिन बुखार आया एक दिन नहीं आया, तो अनित्य बोलते ना, नित्य नहीं आता, नित्य नहीं आता, डेली नहीं, नित्य माने डेली। एक ही दिशा में घटना बढ़ना वो अध्रुवता, और दिशा बदल जाना उसका नाम अनित्यता, ऐसा बारीक भेद किया ध्रुव। तो कहते भगवान आत्मा ना अनित्य है ना अध्रुव है, कभी नहीं बदलता, अनादिकाल से ज्ञानानंद स्वभावी है तो है, और ये आश्रद भाव हैं, ये बदलते रहने वाले हैं, और ये तो स्वकाल में अपने आप ही जाने वाले हैं। जो डॉक्टर ने कहा कि अब ये गया गया गया, तो जल्दी से निकले नीचे से और बंदूक निकाले, अरे भाई तेरे को इतना समय भी नहीं मिलना है, ये जो तेरी पर्याय आश्रद पर्याय है कि नहीं, और पर्याय होती है एक समय की, जब तक तू सोचेगा तब तक तो वह मर चुकेगी। कह हमें आश्रम का नाश करना, आश्रम का नाश करना, अरे तू नए आश्रम नहीं कर तो ही तेरा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आश्रम भावों को नाश करने के लिए परमे कुछ नहीं करना है, क्या थोड़ी तू अपनी सांस रोक ले वो मर जाएगा, उसका गला नहीं दबाना है। कहते तेरा उपयोग पर पे है और तेरा पर में अपनापन है, इससे उसे जीवन मिलता है, और तू अपने आत्मा में अपनापन करके और उपयोग इस पे ले आ, तो वो उसमें अंतर मुहूर्त में गारंटी से साफ हो जाएगा। क्या यानी उसमें कुछ नहीं करना है तेरे को, जो कुछ करना है वो सिर्फ अपने में करना है। आश्रव के महल खंडहर हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कि तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये करना बंद करना है, वो कितना सरल काम है ना। वो मैंने वहां लिखा था, वो अभी पढ़ा होगा कहीं, वैराग्य।
तो उसमें ऐसे एक वर्णन लिखा था, एक छंद पंक्ति जरा अटपटी तो लगेगी आप लोगों को, लेकिन मेरे को अभी दिमाग में आ रही है तो मैं सुनाता हूँ। वो तो मैंने 20 वर्ष की उम्र में लिखा होगा, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसा वर्णन था, उसमें ये लिखा है कि वो नायिका का वर्णन करते हैं ना, आप लोग जानते हैं नायिका वर्णन, तो नक्श से लेकर सिख तक, माने जो महापुरुष होते हैं उनका पैर के नक्श से लेकर के चोटी तक किया जाता है, जो तो साधारण होते हैं उनका चोटी से शुरू करके नख तक, ऐसा नियम है ना, नक्श के वर्णन बोलते हैं उसे। तो मैं कमर का वर्णन कर रहा था, किसका ये नहीं बताऊंगा। तो उसमें ये लिखा था, टूट जाते दूसरों के दिल जब तू निज को मरोड़ती। क्या, क्या? मरोड़ती तो निज को, और दूसरों के दिल टूट जाते, तो जिसे मरोड़े उसे टूटना चाहिए ना। ऐसा एक लकड़ी है, मैं उसे मरोड़ूं तो उसे टूटना चाहिए। तो नायिका के थी कि जब वो अपनी कमर को मरोड़ती थी, इतनी दुबली पतली कमर थी, समझ गए ना आप, कि वो निज को मरोड़ती थी तो सैकड़ों के दिल टूट जाते थे। क्या? तो ऐसा ही है कि तुम अपनी दृष्टि को मरोड़ तो कर्म के दिल टूट जाएंगे। माने तुझे पर में कुछ नहीं करना है, माने वो जो वेश्याएं होती हैं वो दूसरे में कुछ नहीं करती हैं, दूसरों को अपने काबू में करने के लिए वो योद्धाओं जैसी बंदूकें नहीं चलाती हैं, वो रस्सों से नहीं बांधती हैं, उन्हें बांधने के लिए वे जो कुछ करती हैं अपने में करती हैं, समझ में आया ना। क्या, वे उसके लिए कुछ नहीं करती, उसके मुख पे कालिक नहीं पोतती हैं, अपने मुख पे पोतती हैं उसको बांधने के लिए। अरे कोई बाहर की चीज पोती तो कालिक ही है ना। कालिदास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ना मंडनम ना कृतिनम, ये आता है कि ये श्रृंगार, शकुंतला ने श्रृंगार नहीं किया था कुछ भी, तो क्यों करती, क्यों कि वो ऐसी कृति थी कि जिसे मंडन की आवश्यकता ही नहीं थी, वो इतनी सुंदर थी कि उतने वो मंडन करती तो थोड़ी असुंदर लगने लगती थी। जो स्वयं सुंदर होते हैं उन्हें उन्हें श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंगार की आवश्यकता का मतलब है हम स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम स्वयं सुंदर नहीं हैं। क्या, यदि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लपेट लेते हैं ना तो थोड़ा सा हम अच्छे लगते हैं, फिर तुम अच्छे लगते हो क्रीम पाउडर, क्यों तुम तो गायब ही हो गए, अब तो ऊपर ऊपर वो लपेटा ना तो वो ही दिख रहा है ना। तो ये आसव भाव जो हमारे शत्रु हैं वे अध्रुव हैं, अनित्य हैं, असरण हैं। असरण है का मतलब कि इनको कोई शरण नहीं है, ये तुम इन्हें खाना दे रहे हो, तुम ये मोह राग द्वेष के भाव कर करके कर्म कर्मों कमरों को निमंत्रण दे रहे हो। एक दिन तुम निगाह फेर लो, इन पे से निगाह हटा लो ना, खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं परजीवी, परजीवी का मतलब समझते हैं, एक तो उन्हें परजीवी कहते हैं जो जुआ है, कीड़े मकोड़े अपने शरीर पे पलते हैं ना, उन्हें परजीवी। दूसरे ऐसे होते हैं कि उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, उनकी कोई जगत में वो नहीं होती है कीमत, लेकिन किसी बड़े पुरुष से चढ़ते रहते हैं वो, और लोग ये समझते हैं कि ये इनका खास आदमी है। वो ऐसे ऐसी कोशिश करते हैं कि सभा में आएंगे और ऐसे मिलेंगे कि वो जो लोगों को मालूम पड़े कि इनके खास हैं, और फिर उसका फ़ायदा उठा उठा कर लोगों से खूब फायदा उठाते हैं। एक ब्रह्मचारी जी थे, आपने नाम सुना हो, लाभानंद जी थे ना, वो ऐसे ही करते थे। जब भी गुरुदेव बताते ना तो उनके पास जाएंगे, स्टेज पर जाएंगे, थोड़े से जाएंगे, ऐसी बात करेंगे कान में, जैसे कोई खास बात की, कुछ नहीं कहना है, आपकी तबीयत कैसी है। धीरे से उनने जो भी किया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो जैसे सबने देख लिया कि जो गुरुदेव के खास है, फिर देखो उनका नंगा नाच।
जा सब मुक्तियों को हाथ पैर जोड़ते, ए गुदका तुम ऐसा कर देना, मेरे को ये कमरा खुलवा देना, मेरे को ये करवा देना। मैंने कहा मेरे से बात करो ना, उनसे क्यों बात करते हो, तुम जैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। हाँ मैंने ये क्या कहे, वहाँ चक्कर काटते आगे यहाँ ऑर्डर देना शुरू कर दिया। क्या तो ऐसे लोग बड़े नेताओं से, वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से ऐसा बताएंगे कि हम उनके खास हैं और उनकी सारी सत्ता उसी से चलती है, और जब ज़्यादा उनके अत्याचार बढ़ जाते हैं तो जब उस आदमी को मालूम पड़ती है, किसको, कि जिसके नाम पर ये सब चलता है, क्यों बहुत लोगों को पता नहीं होता इस बात का, लोग अंदाज भी नहीं लगा पाते हैं, और जब उसकी निगाह हटती है और उसने जरा भी ये इशारे में भी कह दिया कि जैसे मान लो आए ऐसे स्टेज में, बैठ बैठ चलो चलो कि नहीं साहब क्या बात, बैठ बैठो ना, बैठना बैठना तक नहीं आता सभा में, बस थोड़ी सी दो मिनट उतार दी बस खत्म, उनके सारा पानी उतर गया। अब किसी से जाके एक बात कहें तो कोई बात नहीं करेगा उनसे, वे परजीवी समझ गए ना। ये राजनीति में हर जगह ये सब चलता है, बड़ी बड़ी सेठ कंपनियां हैं साहब, इनकी साहब की अच्छी पहचान है उनकी, हम बस कुछ नेता पहचान वाले ही नेता होते हैं, बस यही बताते रहते हैं कि मेरी कितनी कितनी जगह कैसी कैसी पहचान है, और उस पहचान के बल पर सारी जिंदगी उनकी नेतागिरी चलती है, उनका स्वयं का कुछ नहीं है, वो पहचान नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, इतनी बात होते ही सब साफ हो जाता है। तो ऐसे ही जो आश्रम हैं, ये तेरी आत्मा से पहचान है, इस पर जिंदा हैं, एक दफे आत्मा निगाह फेर ले इनकी तरफ से, ख्याल में आई ना, तो इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसी इनकी हालत है। इसका नाम है अशरण, कोई शरण देने वाला नहीं है, है ना। अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, कि ये दुख दुख रूप हैं, दुख ही हैं, कि दुख देंगे। अरे वर्तमान में क्या दुख नहीं दे रहे, देखो गुस्सा आया बहुत जोर का, फिर उस समय पाप बंधेगा और फिर वो उदय में आएगा तब वो दुख देगा, ऐसा नहीं है। अभी जो तुम्हें गुस्सा आया तो एकदम ये आँखें लाल लाल हो गई, चेहरा लाल लाल हो गया, दांत गिड़गिड़ाने लग गए, ये बहुत आनंद की स्थिति होगी, क्यों तुम कांपने लग गए, धूंझने लग गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पर अकेला हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये वर्तमान में दुख रूप नहीं है, क्यों ये लोभ दशा हो रही तीव्र, रात के 2 बजे भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यहाँ वहाँ ये कर रहे हैं, ये वर्तमान में सुखरूप जैसा है, ये वर्तमान में दुखरूप हैं और भविष्य में भी दुख देंगे, माने दुखरूप में फलेंगे। ऐसा जब कोई ज्ञानी जानेगा वो गिरे तो वो तत्काल क्यों नहीं छोड़ेगा, फिर कल छोड़ दूंगा फिर वायदा क्या, सच्ची बोलो। मैं एक मैं बात कही खत्म करता हूँ, तो एक आदमी जैसे अपन कहते हैं ना, देखो तुम्हें तम्बाकू खा रहे हो ना, ये जहर है जहर, ये कैंसर हो जाएगा कैंसर, अब हंसता जाता और खाता जाता है, क्या साहब वो कहता है, अब तुम क्या कहोगे कि जहर है जहर है, ऐसा कहेगा हंसेगा और खा लेगा, अब हम उपदेश मत दो बहुत ज़्यादा। लेकिन सचमुच वो एक जो जहर आता है ना, कैसे छूने से ही मर जाता है आदमी, और उसको दो उसे और कहेगा अब खा बेटा, यानी जिस चीज पर उसे भरोसा हो जाएगा कि सचमुच ये जहर है, जिस दिन उस दिन वो खबेगा उससे, तो वास्तव में तेरे को आश्रम भावों से मैं अभी जहर बुद्धि हुई नहीं है, कितना ही उपदेश दिया हूं ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से, 5 पापों से मैं इसमें जहर बुद्धि हुई नहीं है। ये कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे थे अच्छा सुमित जी, कि ये जो 5-5, 10-10 हजार वाले हमारे पंडित हैं, एक ने आज तक आत्महत्या नहीं करी, और जो 2-2 लाख, 4 लाख वाले महीना वाले वो जो कौन है इंजीनियर हैं, वे कई कितने हजार 1,500 इतने लोगों ने हत्या कर ली, और अभी कितने कितने लोग कर लेंगे ऐसी घोषणा हो गई, 5 साल में 60 लाख इंजीनियर आत्महत्या कर लेंगे, अब कहाँ से निकाला जी आंकड़ा, उनने बता दिया, उसने बताया था, उनने मैंने सुना है कि बताया था कि अभी 1.5 लाख रुपये महीना दे रहे उन्हें, और फिर वो बस उनके तो काम करने लायक ही नहीं रहेंगे 2-5 साल में, और फिर वो जब बाहर आएंगे अथवा उन्हें काम नहीं रहेगा उनके पास, वो तो कमाते हैं उसमें से ही तो देते हैं ना, बेचारे व्यापारी क्या करेंगे,
उसमें से कमाई में से तो देंगे ना, कमाई नहीं होगी तो कहां से देंगे। और फिर वे जाएंगे जब उन्हें 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी कहीं, क्यों? तो फिर वे आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए ही कहते हैं ये सब परोपजीवी हैं, ख्याल में आई ना। ये ये आश्रव भाव जो तेरे शत्रु हैं, जिसने जिनने तुझे अनंत काल से अनंत दुख दे रखा है, वो तेरे शत्रु कितने कमजोर हैं, वे अशरण हैं, दुनिया में उन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी, वे दुख रूप हैं, वो दुख देने वाले हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, ऐसा जान लेगा फिर कहता कब छोड़ेगा। फिर कब का सवाल क्या है, वो तत्काल उसी समय छोड़ देगा। ये गाथा में बताने वाले हैं टीका कल।